हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवेंथ इंग्लिश के हनीकॉम बुक का जो फर्स्ट लेसन है थ्री क्वेश्चंस, इसकी वोकेबुलरी पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस लेसन का हर एक वर्ड का मीनिंग आप याद करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है सीकिंग, यानि ढूंढना या खोजना। थॉट मतलब विचार। सर्टन यानि कोई या किसी। मैसेंजर्स मतलब संदेशवाहक। थ्रू आउट यानि हर जगह। किंगडम यानि साम्राज्य। प्रॉमिसिंग यानि वादा करते हुए। लार्ज सम मतलब बड़ी मात्रा में। वाइस यानि ज्ञानी। डिफरेंटली मतलब अलग अलग तरह से। रिप्लाई यानि जवाब देना। प्रिपेयर मतलब तैयार करना। फॉलो यानि पालन करना। स्ट्रिक्टली यानि कठोरता से। प्रॉपर मतलब उचित। इम्पॉसिबल यानि असंभव। इन एडवांस यानि पहले से ही। नोटिस मतलब ध्यान देना। वॉज गोइंग ऑन यानि जारी था। फुलिश मतलब फालतू। प्लेजर्स यानि खुशियाँ। वॉट एवर यानि जो कुछ भी। सीम्ड मतलब प्रतीत होना। नेसेसरी यानि ज़रूरी या आवश्यक। नीडेड मतलब आवश्यकता थी। काउंसिल यानि सभा। करेक्टली यानि ठीक से। एक्शन मतलब कार्य। अर्जेंट यानि अत्यावश्यक। डिसीजन यानि निर्णय। मैजिशियन मतलब जादूगर। काउंसलर यानि सभासद। प्रीस्ट मतलब धर्मगुरु या पुजारी। अ फ्यू यानि कुछ। चोज यानि चुना। सोल्जर्स यानि सैनिक। फाइटिंग यानि लड़ाई। रिलीजियस यानि धार्मिक। वर्शिप यानि पूजा। रिवॉर्ड यानि इनाम। इंस्टेड मतलब के बजाय। एडवाइस यानि सलाह। हर्मिट यानि साधु या सन्यासी। हट मतलब कुटिया। बॉडीगार्ड यानि अंगरक्षक। डिगिंग यानि खुदाई करना। ग्रीटेड मतलब स्वागत करना। कंटिन्यूड यानि जारी रखा। ब्रेथ हेवीली यानि सांस फूलना। अफेयर्स यानि काम। टायर्ड मतलब थका हुआ। स्पेड यानि फावड़ा। हैड डग यानि खोद चुका था। बेड्स यानि क्यारिया या गड्ढे। स्टॉप्ड मतलब रुका। रिपीटेड यानि दोहराया। स्टूड अप मतलब खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट यानि हाथ बढ़ाया या हाथ फैलाना, जिसे हम कहते हैं। पास्ट यानि बीता। स्टक यानि रख देना। टर्न्ड यानि मुड़ा। बियर्डेड यानि दाढ़ी वाला। टूवर्ड्स मतलब की ओर। प्रेस्ड यानि दबाया। स्टमक मतलब पेट। फ्लोइंग यानि बहना। फेंटेड यानि बेहोश होना। रिमूव्ड मतलब हटाया। फाउंड यानि पाया। वुंड मतलब घाव। कवर्ड यानि ढक दिया। हैंकरचिफ मतलब रुमाल। रीड्रेस्ड यानि फिर से मरहम पट्टी की। आस्ट यानि मांगा। ब्रॉट मतलब पाया। सेट यानि अस्त होना। कैरीड यानि ले गया। लेड यानि लिटाना। ले क्वाइट यानि शांति से लेट गया। स्लेप्ट मतलब सोया। अवोक यानि जागना। सेवरल मिनट्स बिफोर यानि कई मिनटों पहले। रिमेंबर मतलब याद करना। स्ट्रेंज यानि अजीब। फॉरगिव मतलब माफ़ करना। वॉइस यानि आवाज़। स्वोर यानि कसम खाई। रिवेंज यानि बदला लेना। सीज्ड यानि जब्त करना। प्रॉपर्टी यानि संपत्ति। आई मेड अप माई माइंड मतलब निश्चय कर लिया था। किल यानि मारना। हाइडिंग प्लेस मतलब छिपने का स्थान। रिकग्नाइज्ड यानि पहचान लेना। एस्केप्ड मतलब बचकर निकलना। सर्व यानि सेवा करना। फेथफुल मतलब विश्वासपात्र। पीस यानि शांति। ईजिली यानि आसानी से। प्रोमिस्ड यानि वादा किया। लिविंग मतलब छोड़ते हुए। विश्ड यानि चाहा। नीज मतलब घुटने। सोइंग यानि बोते हुए। सीड्स मतलब बीज। ऑलरेडी यानि पहले ही। बेंडिंग डाउन यानि नीचे झुकते हुए। पिटीड यानि दया आई। वीकनेस मतलब कमजोरी। अटैक्ड यानि आक्रमण कर दिया। स्टेड यानि रुका। बिजनेस मतलब काम। आफ्टरवर्ड्स यानि बाद में। केयरिंग मतलब देखभाल करते हुए। पर्टिकुलर यानि विशेष। मोमेंट यानि समय। नोज यानि जानता है। पर्पज़ यानि ध्येय। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।